देखें जी आज बहुत बड़ा यूट्यूबर मेरे हत्थे चढ़ गया है। आज इसके साथ मैंने वो करना है ना वो करना है, ये यार पंचर निकल आता है। तो कहते यार 6 महीने हो गए, हमने तो कभी हवा भरवाई नहीं है इसके लिए। मुझे भी भूख लगी है, मैंने भूख लगी है, वो साबुन पड़ा है, कड़ी पड़ी है। इसके साथ नहीं खाने मेरे को से छोड़ दो, मैं अपने बर्तन आपको दे दूंगी। रोटी को बोल दो बाबा नहीं ना, रोटी को बोल दो जारी बर्तन रख दिए, ऐसा कर ले अजीब लग क्या। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, बाद रहें, फूलों की तरह हंसते मुस्कुराते रहें। हमारा जी शाम का व्लॉग स्टार्ट हो गया, तो आपने रहना हमारे साथ साथ। चलते अपने व्लॉग की तरफ। वो तो खुले तो पड़ी, मैं थोड़ी वीडियो बना। हाँ जी हम साहब देख आए हो मिलाद? हाँ जी। कहाँ गए हो? सेठ कुतुब वालों की मस्जिद में। हाँ। 2 राउंड लगाए हैं इस बार तो। हाँ जी। पहले एक राउंड लगाते थे। हाँ जी। तो चलें अब मैं खाना खा लूँ जाके। चले जी 2 बज चुके हैं जी, मैं खाना खाने लगा हूँ जाके। नमाज भी पढ़ूंगा और खाना भी खाऊंगा। आप फिर इधर बैठे दुकान पे, ठीक है? मैं जा रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़। ख्याल से बैठना, किसी के साथ रात नहीं करनी और अपनी दुकान छोड़ के कहीं बाहर जाना नहीं है, ठीक है? ओके हो गया। तो जब कर रहे हैं मैंने दी और ना मैं स्कूल जैसे घर आई है, तो मैंने कहा ना साथ खाना खाने के लिए आ गए और ना मैंने सबको बुलाया और ना मैं ना सामान रख और ना बस की जा रही है उनकी बोली, लेकिन मेहमान है नहीं, मेहमान नहीं है। ये देखेंगे ये कॉलियाँ और ये मैं इधर रखूँगी कॉलियाँ आज। हाँ करना छोटी है। ये देखेंगे कैसे कर रहा है और ये महंगा ये अब ये रखूँगी क्योंकि मैंने अभी हाँ क्यों धो के ना मैंने कहा था और तीन मगरी करे जो तीन ओके फिर हाथ में कॉलियाँ जी मैं हाथ में धोंगी अपना और हमारे वो देखेंगी सरकार हमारा इसको ना जब इसकी ऐसे वीडियो बनाते हैं ना आप वो इसमें कभी नहीं रहते, इसको शर्म आती है, शर्म आती है। इसकी वीडियो बनाई थी फिर मैं ना हाथ में धो के मैंने जी नहा धो के कपड़े पहने हैं, कंघी करनी है, कंघी करूँगा। तो मैंने ना 2 कुर्सी चावलों के लिए उनका चेक कर लो, ये आपके नहीं है मेरे हैं। चाची ने बनाए थे चावल, मुझे नहीं है चाची, तो मैं खा रहा हूँ। ये चाची ने बनाए थे और किसी ने नहीं बनाए ना, कोई छोड़ेगा। दोपहर का जो टाइम है और ना भाई माद और भाई रिहान का टाइम है और ना मैं बैठी हुई दुकान पर है ना, कोई आया नहीं है। मैंने कहा कोई आ जाए। रिहान भाई नहाने पर गया है बाथरूम में और हमारे भाई एक बस मेरे साथ एक जना बैठा है, वो वीडियो बना रही है कैमरा मैन हमारी। मम्मा नमाज पढ़ रही है, बाबा पता नहीं कहाँ है, बाबा नमाज पढ़ने गए हैं। सब चीज़ें कोई कोच कर रहा, कोई कुछ कर रहा है। है तो मैंने खाना लगा लिया पर कोई आएगा लेके आएगी, पानी लेके आओगी? हैं वो बात भी रखेंगे जब बाबा आएंगे। पानी तो रखो। एक दिन जी हमने ना गेम खेली है ना, एक बोतल थी हमारे पास, बोतलें थी और है ना हमने ऐसे ना बीच में रख के ना घुमाते थे है, तो जिसके ऊपर बोतलें आ गई ना वो जा कोई नाच सुनाएगा, जा कोई पहेली सुनाएगा, जा कोई गाना सुनाएगा और जा कोई है ना वो शुगर मिला सुनाएगा। तो फिर है सब ने एक माधवी नहीं खेल रहा था, मैं भी खेल रहा था, ध्यान ना भी हो। तो हमने इतना मज़ा आया और है ना उसमें ना आपकी वो कहता चलो आपकी ट्वेल्व बड़ी है, सब सोचने लग पड़ते थे हम क्या सुनाए, तेन मौज कर कोई ये सुना देता था हस्बी रबी जल्ला, कोई ये सुना देता था, कोई नजम सुना देता था। तुमने क्या सुनाया था? मैंने पोइम कौन सी? बंदे को देर याद होती है, ऐसे जुबान से भूल जाती है। ये है रोटी रोटी दे वंद अम्मा, रोटी रोटी दे वंद अम्मा। अम्मा सालन लेके पहुंच गई है, भूख नहीं लगी है ते पेट विच चूहे कुदन दे। मैं ते असि हन देख रहे हैं। मोया वाली का ढक्कन उठाओ। तू कहां बन है? क्या कड़ी बनाई है? कौन वाली कड़ी है? दाल है मुझे लगता है। मेरे को कड़ी अब दूर बोल रही हूँ बाबा आगे। पानी वाली कड़ी? ये पानी वाली है कड़ी। हाँ जी खाना तैयार है। चलो लगाएं मैं आता हूँ। कड़ी डाल ली है। उसी से गलत बैठ जाना तो बैठ गया वो। कितना बटन टूटा हुआ? मैं देखा ही नहीं है ना। अच्छा हम लोग सुबह लाने का मैं फोटो लाने को सुबह ले। ले उधर ग्लास लो। माँ? ग्लास लेके ना। अच्छा माँ क्या? हमारे ऊपर सामान लो। मैं बात बताऊँ? जल्दी करें जल्दी। दोपहर का खाने का टाइम हो गया। आज मास्टर इकट्ठे बैठ के खा रहे हैं खाना। काफी दूर दोबारा गिलास दे मुझे एक ले लेना। चुप कर रोटी खा। नहीं मैंने किसी की बात नहीं सुनी। आज तुम्हारी मम्मा कहती मैंने किसी की कोई बात नहीं सुनी। चोपड़ी लेनी है सूखी लेनी है। आधी लेनी पूरी। जब तक ये सालन खत्म नहीं होता तो और मैं सब कुछ इतना ये खाओगे तो कुछ खत्म करोगे तो फिर होगा क्या? जब तक ये सालन नहीं खत्म होता तब तक सालन नहीं और लो। अच्छा चलो जी ये कितने दिन चलेगा ये सालन? जब खत्म करोगे तो और बनेगा। मेरा तो ख्याल है पूरा हफ्ता ही चलेगा। चलो चलेगा पूरा चलेगा। लेकिन माशाल्लाह जी बेगम ने कड़ी इतनी बना ली कि पूरा हफ्ता चलेगी। करके हफ्ता पूरा खानी है। आप मजे का कोई काम मजेदार नहीं थी। नमक मिर्च कम किया आपने। मैं ना इतने दिन पूछ लेगी। पिछली बार तो मम्मा ने वो आपके लिए गिरा दी थी इसलिए वो एक दिन ही मिली। अब कैसी है? ठीक है। कौन नमक मिर्च कम हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह जी खाना वगैरह खा लिया हमने। तो हम आबरेहान पानी लेने चले गए हैं। मैं अब दुकान पे जा रहा हूँ। नमाज़ पढ़ने के लिए आया था। मैंने कहा नमाज़ भी पढ़ लूँ और खाना भी खा लूँ। अभी खाना खा के मैं जा रहा हूँ दुकान पर। मनाहिल इधर बैठी है, पता नहीं कुछ ज़िद करके बैठी हुई है अपनी मम्मा के साथ। क्या हुआ इसको? कुछ भी नहीं। हाँ फिर क्यों सीढ़ियों पे ऊपर सर रख के लेटी हुई है? ये आदत है। तुम नाहल क्या हुआ? मक्खन के साथ रोटी नहीं दे रही। मैं तुम जानो और तुम्हारा चलिया ही नहीं। तुम जानो और तुम्हारी मम्मा जाने। नहीं मैं तो भूरी बनिया। मक्खन तो आया बाबा। मम्मा ने कल जाऊंगा मम्मा के पास। इतना सारा एक वाला मक्खन का बड़ा पड़ा है। मम्मा देते नहीं है। मैंने बनाया ना अपने लिए बनाया तुम्हारे लिए नहीं बनाया। चलो ये तुम जानो और तुम्हारी मम्मा जाने। भूख लगी तो बेटा सालन है ना खाना खाओ। कल की कड़ी पकी हुई है बेटा किसी ने भी नहीं खाई। कल भी किसी ने रोटी नहीं खाई। आज भी किसी ने। बाबा मैंने कहा स्कूल भी लेके गई मैंने। रात को भी खाई दोपहर को भी खाई। तुम्हारी मम्मा कहती है 8 दिन के लिए पकाई है मैंने। 8 दिन खानी है। ये दुकान पर काम पहले ही नहीं है बेटा। दुकान पर काम भी नहीं है। बाबा कह रहे थे कुछ पकौड़े बना लो वो बना लो। मम्मी कहती नहीं कड़ी बनाएंगे कड़ी बनाएंगे। पकौड़े भी तो बनाए थे ना। खाए नहीं तूने? मुझे मक्खन खाना है। मुझे नहीं पता बस। ना जाओ नहीं मैं जा रहा हूँ। मैंने नहीं कहना तुम्हारी मम्मा को मक्खन का। नहीं नहीं मैंने नहीं कहना। नहीं भी नहीं मैंने सिफारिश नहीं करनी। नहीं मैंने नहीं करनी सिफारिश। मुझे जाने दे बेटा। दुकान में बंद करके जा रहा हूँ। आपको पता है दुकान का किराया कितना है इस वक्त? किराया भी बिजली का बिल भी इधर ज़्यादा है। किराया भी ज़्यादा है। फिर वाईफाई का बिल भी इधर देना है। वो वाईफाई का कनेक्शन मैंने उधर से लिया है क्योंकि उसमें वीडियो फिर अपलोडिंग वगैरह कर लेता हूँ। भूख लगी है। वो साबुन पड़ा है कड़ी पड़ी है। अचार ले लें प्याज ले लें। अच्छा फिर उठे मेरी भी होगी। चले खंड तुम्हारी वो खंड है ही वो मैंने किसी को दिया है सुना है वापस आ जा सुना है वापस आ जा आ देखो रखिया इधर रखी ना उधर रखिया बाबा मां को दे दे मेरे घर जैसे लेके ना रखिया मैंने सिफारिश नहीं करनी घर का टोटल कंट्रोल वो वज़ीर-ए-आज़म के पास है वो वज़ीर-ए-आज़म बैठा है वो जाने आप जाने मैं तो खुद उसका मोहताज हूँ नहीं रख के अंदर कोई मक्खन शक्कर नहीं है चल दे दे थोड़ा सा नहीं देने थोड़ा सा दे दे चलो नहीं ये बात भी मानती अच्छा चलो मेरा मेरे कहने पे आज दे देना इसको चल आज ले लें हर बार ऐसे करते हैं जब कोई चीज़ आप करते तो वो दो आप मेरे कहने पे दे दे मेरे कहने पे दे दे चले दोपहर का टाइम है खाना खाना इधर ले के मनाहिल इधर ले के आओ तो मैं मामा दे दूँ फिर रहने ना दें फिर इसको अगर बात नहीं सुनती ना फिर रहने दे ही ना कोली भी तो मेरी बोल रखा है रोटी के ऊपर लगाओ मैं अपने बर्तन आपको दे दूँगी रोटी के ऊपर लगाओ बाबा नहीं ना रोटी के ऊपर जारी मलता रख दिए नहीं रोटी के ऊपर मलता बाबा देखो ये थोड़ा है बाबा क्या देखे चले खाएं चीनी डालें इसके ऊपर खा लें चले चीनी उठा के ला ये बात मानिए मैं जा रहा हूँ तुम जाना और तुम्हारी बेटी जाना है अल्लाह हाफिज बाय आप उठा के ये भी रख दें फ्रिज में बस अगर नहीं खाती ये भी ना दें फिर ऐसा कर ले मुझे देना मुझे दे मैंने ये भी रखा ना मुझे आप वो मक्खन उठा के रख दे अंदर अगर नहीं मान रही ना तो फिर वो मक्खन भी रख दे ये बात नहीं मानती बिल्कुल नहीं मानती मुझे दे आप ही खाते नहीं यार मुझे देर हो रही है आप खा लें आप खा लें अपनी बेटी के साथ मैं नहीं खा जी मैं रात को खाऊंगा ज़्यादा मक्खन खा के फिर ज़्यादा मक्खन खा रहा है या हम काम करने से गुजारा नहीं है मैं कर रहा मुझे मक्खन दो मैं मक्खन दो तुम्हारी मम्मा मिक्स करके दे रही है चलो ठीक है मैं जा रहा हूँ अब तो देखें जी मैं दुकान पर पहुँचने वाला हूँ झाड़ियों के बीच बीच में से जा रहा हूँ वो सामने मेरी टैंकी वगैरह पड़ी है दो तीन दुकानें बंद हैं खाना खाने के लिए गए हुए सब मैं पहुँच गया उस दुकान पर ये देखें मेरी टैंकी हवा वाली इधर पड़ी हुई है बहुत पुरानी टैंकी है ये भी एक्सपायर हो गई है इसका भी बहुत ख़तरा रहता है बहुत पुरानी टैंकी है ये मेरा जी चश्मा घर रह गया घर मैंने फ़ोन किया कि मेरा चश्मा दे के जाएँ मैंने इधर बाहर दरख्तों के नीचे अपना बेंच कुर्सी रखा हुआ इधर बैठ गया हूँ आके अभी देखें कौन आता है चश्मा लेके मनाहिल आती है या रिहान या हमाद आएगा मनाहिल ही आएगी मेरे ख्याल उन्होंने जाना है ट्यूशन पानी लेने गए थे पानी लेके आ गए मेरे ख्याल अभी उन्होंने ट्यूशन जाना है आना आ गया जी चश्मा लेके पैसे लेके नहीं गए सुबह तुम फिर क्वेंटर लेना है पैसे तो यार मेरे पास मस्जिद के हैं, वो ख़त्म दिलवाना है। चलो पॉइंटर पड़ा उधर ले जाओ। वो नहीं चलता है, वो यहाँ आना आया था पैसे लेने के लिए, पॉइंटर लेना है, वो चला गया लेके। अब मनाहिल आ रही है चश्मा लेके, वो सामने आ रही है रोड के ऊपर, ये देखें ये आ रही है। हाँ जी आ गई हो, चले देखें जी। आज बहुत बड़ा यूट्यूबर मेरे हत्थे चढ़ गया है। आज इसके साथ मैंने वो करना है ना, वो करना है, ये याद करेगा। आज इसको मैंने 8-10 बेंचर जो भी करना है करें। आज मैंने 8-10 बेंचर इसको लगा देने हैं, मैंने इकट्ठे 8-10 बेंचर इसको करने हैं, ये भी याद करेगा। बेंचर लगा देने इतने इसको। ओ यार मुझे नहीं करो पंचाल, वो इसको पहले हुआ पड़ा है। अच्छा पहले हुआ पड़ा ये, चले इसको भी देख लेते हैं। अब बताओ क्या कह रहे हैं आप? पेंचर लगवाना है आपने? इधर जी माशाल्लाह जी अकरम भाई अभी पहुंच चुके हैं पेंचर लगवाने के लिए। और भाई अकरम ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत ठीक है? आपका मोटरसाइकिल पंचर हो गया? मेरा मोटरसाइकिल पंचर हो गया। इसके अंदर मैंने वीडियो में अपने में दिखाया है। हाँ जी कांटा था इतना बड़ा, इतना सा ना कांटा वगैरह था, तो इस वजह से मैंने ना मैं आपके मोटरसाइकिल पंचर लगाऊँ ना, कैसे लगाता हूँ? हाँ आप पंचर लगाएँ, क्योंकि मैंने कहा है कि ये ना अभी हवा तो इसके अंदर थी, आपके सामने हवा भी भरा लेते चल जाता, लेकिन वो इस तरह है कि जब बिल्कुल पंचर हो जाता तो फिर मसला बनता। ऐसे ही हम ट्यूब को ना ऊपर से थोड़ा सा सही करते हैं इसकी, ताकि पंचर अच्छे तरीके से ना इसके साथ चिपक जाए। हाँ ये भी सही है। अगर इसको थोड़ा सा रगड़ने के नहीं तो पंचर इसके ऊपर रुकेगा। हाँ ये थोड़ी थोड़ी रगड़ना पड़ता है। अच्छा एक बात की मुझे समझ नहीं आ रही अकरम भाई, इस तरह है कि ये एक साथ ही दोनों टायर ट्यूब डलवाए थे, बैक वाला भी आगे वाला भी, तो जब से डलवाए हैं तो हालांकि बैक के ऊपर ज़्यादा वज़न होता है, सवारियाँ वगैरह 2-2, 3-3 पानी वगैरह भी लेके आते हैं, पूरी मन की केन होती है, तो वो आज तक नहीं हुआ पंचर। ये आगे वाले की एक ट्यूब ख़त्म होगी, दूसरी ट्यूब डलवाई, इसको भी आज दूसरा पंचर लग रहा है मेरे ख्याल में। और कोई मसला नहीं है, ये नहीं कि आप इसको कांटों में लेके जाते हैं, कोई ना कुछ चीज़ लग जाती है। बेटा ये पंचर को लगा लें, बस लग गया ये पंचर, छोड़ दें आगे, तो छोड़ दें ये भरवाएं साहब, आप सिलेंडर भरवाएं जो मर्जी करें बेटा। अगर आपने चेक करना है कितने पंचर निकले हैं तो फिर मैं खोल के चेक कर लूँ, फिर आप जाना, आपको पता चल जाएगा एक पंचर है 2 है। 2 मिनट रुक जाए इधर, मैं वो पंचर लग गया है। खोल के चेक करो फिर आप इसको ले जाओ, इसको अच्छी तरह टायर चेक कर लेना और कोई कांटा वगैरह ना। आपके सामने मैंने निकाल दिया, आपको दिखाया। हाँ वो तो निकाल दिया, बस वो कांटा इसमें रुका हुआ था इसलिए हवा नहीं निकल रही जल्दी। हाँ ऐसा ऐसा वो हवा निकल रही थी ना, क्योंकि 2-3 मरतबा मैंने हवा डलवाई है, कोई हफ्ता हो गया ये काम कर रहा है, लेकिन हफ्ते से देखें कांटा इसके अंदर था। फिर मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता था, तो सारा दिन ऐसे होता है कि लोग लेके आते हैं ना इसके तारे वगैरह डलवाने के लिए, तो वो खोलते हैं जब टायर को तो उसमें 2-3 पंचर निकल आते हैं। तो कहते यार 6 महीने हो गए हमने तो कभी हवा भरवाई नहीं है, इसमें पंचर ही नहीं हुआ, ये पंचर कैसे निकला? लेकिन वो इसी तरह होता है कि कांटा उसमें फंसा हुआ होता है, आस्ता आस्ता ना हवा वो बल्कि कोई तो निकालता ही नहीं। हाँ बिल्कुल ऐसा फिक्स हो जाता है, हवा निकलती नहीं है। हवा निकलती। चलो ये काम भी हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी हवा तो नहीं निकालेगा ना। और सुनाए अपने मकानों का? मकान अल्हम्दुलिल्लाह प्लास्टर का काम शुरू हो गया है, छत वगैरह कल डाल गई थी परसों वाले दिन। कल मिलाद की छुट्टी थी 12 रबीउल अव्वल की, और आज जो है फिर अंदर से कमरे प्लस्तर एक जो है आज हो जाएगा अभी, बस थोड़ा सा रहता था वो कर रहे थे, एक कमरा अंदर से हो गया, एक जो है इंशाल्लाह ज़िंदगी बाकी तो कल हो जाएगा। ऐसा ऐसा यानी कि 2-3 दिन के अंदर अंदर ना काम हो जाएगा इंशाल्लाह, फिर बाकी काम जैसे आगे कोई कलर वगैरह इस तरह। हवा पूरी हो गई, हवा चेक कर, नहीं जी पंचर लगाया नहीं, दिखाया भी है ना वीडियो में पंचर लग चुका है। दोनों को लगा दिया, यूट्यूबर को भी लगा दिया पंचर, मोटरसाइकिल को। मैं पंचर मोटरसाइकिल को लग गया समझे, यूट्यूबर को लग गया। यूट्यूबर को लग यानी कि मोटरसाइकिल को नहीं लगा, ये मुझे लग गया क्योंकि पैसे मैंने भरने। ओके जी, मेहरबानी। जी अरशद भाई मजाकिया कर रहा है जी, कहता है यूट्यूबर को पंचर लगा दिया। ये देखें, ये सामने बैठा जी, ये अरशद भाई फ्रिजों वाला। आपका आज नंबर लग गया है ना, कल इंशाल्लाह हमारा नंबर लगेगा। 50 रुपए भाई, 50 रुपए।